ओम शांति। 16/5/2023 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाशकाली रीत बुद्धि पर पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, यही बाप की मदद है। आज का प्रश्न है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, एक से सच्चे प्रीत हो तभी यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, योग बल की ड्रिल करते नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसकपन सभी का उद्धार करने की निमित्त बनना है। दूसरा है, भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है, पुरानी कीचड़ पट्टी दे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है, पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। आज का वरदान है, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भाव। स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भाव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो, स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हैं। दूसरा, बदले यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं, इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, जैसे नैनो में नूर समाया हुआ है वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। मुरली विस्तार से आज गीत बजा भोलेनाथ से निराला, ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना इसकी महिमा की, भोलेनाथ शिव बाबा की, परमपिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, परमपिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति और सदगति का। गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में, उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है, निराकार आत्मा को मिला है यह साकार शरीर। इसलिए कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए, अब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते बजाते
भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे ते ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अब पतित है। यह भी समझाना चाहिए, इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसको भक्त याद करते हैं। भक्त पतित हैं, जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कोई रहते नहीं, ना कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे। भारत सुखधाम था, ऐसे नहीं इस्लामी खंड व बौद्धिक खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था, जहां आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। यह कौन बैठ समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉड फादर। वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। यह शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग के सामग्री। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परम पिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी का राज्य था। विश्व के मालिक थे तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते हैं, हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना, 5000 वर्ष की बात है। गीता में ही भगवानुवाच लिखा हुआ है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है उच्च ते उच्च, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं तुम सब फादर हो। जैसे सन्यासी कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, नहीं, परमात्मा सो परम आत्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, वह क्रिएटर डायरेक्टर है, करण करावन हार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को एडॉप्शन कहा जाता है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है, अब राजयोग सीख रहे हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा, इतनी करोड़ आत्माएं सब इमॉर्टल है। यह बड़ा ड्रामा है, ड्रामा के राज का किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं,
कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था, मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। मुझे आना है पतित दुनिया में, इनका यह अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे किए यह ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है मनुष्य नहीं जानते हैं, सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी का नाम जगत अम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगत अम्बा कामधेनु कहते हैं। इनको अर्थात ब्रह्मा को आदि देव महावीर भी कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। वास्तव में दिलवाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने के लिए, स्वराज्य देने के लिए आते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए दिलवाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो, फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाप कहते हैं, कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं है, अभी अनेक धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे। वह जब से वाम मार्ग में गए हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया। देवता धर्म को प्रायः लोप तो होना ही है। तब मैं पहले पहले टेटी धर्म की स्थापना करता हूँ। इस्लामी बौद्धी पीछे आते हैं, हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो यह देवी देवता थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं, भोली भोली जो बच्चियां हैं उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे, शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अब वैशालय बन गया है। इनको फिर शिवालय मैं बनाता हूँ। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म, बाप उलाहना देते हैं, तुमने अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया। और मेरे लिए कह देते सर्वव्यापी, तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो हूँ नहीं। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार है। सतयुग में यह नहीं थे, वहां तो देवी देवताएं थे, अब असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सो बाप समझाते हैं, ऊंचे थे उच्च भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रिय का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य, अभी तो 9 राज्य
यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी एक दो को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा एक महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया? श्रीमद भगवानुवाच। तो बाब बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ आने का पाठ है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर सुख का सागर हूँ। यह महिमा और कोई की नहीं है, देवताओं की महिमा अलग है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार महिमा होती है। तुम जानते हो, उच्च ते उच्च इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। पुकारते तो सब है परमपिता परमात्मा, समझते हैं बाप आएंगे तो हमको सुखधाम ले जाएंगे। बाप कहते हैं, मैं अजामिल जैसे पापियों साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। यह है शिव शक्ति भारत माताएं, योग बल से काम ले रही हैं। वह कन्याएं माताएं वायलिन ड्रिल सीखती हैं। यहाँ यह योग बल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तो एक बाप से जोड़ते हो। कौरव है विनाशकाली विपरीत बुद्धि और तुम पांडव हो विनाशकाली प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम पवित्र रह भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे। क्योंकि अब मृत्यु लोग मुर्दाबाद हो, अमर लोग जिंदाबाद होना है। बाप अमर कथा सुना रहे हैं, तुम पार्वतियां हो, सचनियां हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सचनी के रूप में कहते हैं, गुलगुल बन जाओ, तुम महाराजा महारानी बनते हो। यह सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है। उनको भूल जाते हैं, शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप समझाते हैं, यह भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था। आकाश धरती वायु आदि सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं, फलानी हद में यह ना जाए, इतना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। यह ड्रामा है, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट है, कोई को 2-3 जन्मों का पार्ट है। यह इमॉर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। भारत ही वाम मार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है। सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मजा नहीं होता है। बाप कहते हैं, मुझे सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को
मुक्ति देता हूँ। बाप समझाते हैं, बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो, तुम उच्च आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे, पाप आत्मा माया ने बनाया है, फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं, हिसाब किताब चुक तो कर वापिस ले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहराना, कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम ले जाता हूँ। परमपिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसलिए सब उनको याद करते हैं। भोलानाथ बाप तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार तिलवाड़ा मंदिर है। तुम हरेक के ऑक्यूपेशन को जानते हो, रामा में हरेक का पाठ चलता है, कितनी पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंट शक्ति सेना 21 जन विश्व का मालिक बनते हो, तो जरूर मेहनत भी करनी पड़े, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली नहीं भूली तो, बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला, इसलिए अपने बाप को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का बोझा बहुत भारी है, जहां तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है, और कुछ भी याद ना रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है, दुनिया बदल रही है। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया, परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियां यहाँ बहेगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।